तो क्या हाल है? आगे बहुत दिन से बोल रहा था कि रूम टूर दिखाऊंगा, मगर टाइम ही नहीं मिला। जो मैं बेंगलोर में रहता हूँ, तो गांव में जो गाँव है उसका टूर नहीं है, ये बेंगलोर में जो जिधर मैं रहता हूँ उस रूम का टूर है। तो आज फाइनली आज 15 अगस्त है, तो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल समझो। अभी मैं कुछ दिखा रहा हूँ तो आप देख रहे हो, तो मेरे बारे में जानना भी आपको उतना ही ज़रूरी है। तो आज फाइनली वो घड़ी आ चुकी है कि मैं अपना रूम टूर आपसे शेयर कर सकूँ। जो भी है इतना ही है, इतना काफ़ी है। बड़े घर में रहते हैं या बड़े रूम में रहते हैं, उनको लगेगा कि जैसे मुन्ना भाई MBBS में सर्किट बोलता है ना, भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। लाइक वही वाला सीन है मेरे घर रूम का भी। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है, हम दोनों के लिए ठीक है, काफ़ी है, दोनों ही रहते हैं तो इतना तो काफ़ी चलेगा। मतलब ज़्यादा तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, सीधा सीधी 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 बात यही है कि ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो जो है इतना काफ़ी है। पूरा तो मैं अकेला नहीं दिखा सकता, फ्रेंड से बोलता हूँ कि थोड़ा कैमरा ऑपरेट कर ले, तो दिखाने में आसानी होगी ना। तो देखो अभी जो है मेरा रूम है जो है यही है, मतलब इसे पैलेस कह लो, बंगला कह लो या छोटा सा रूम कह लो, जो भी है यही है। वेलकम टू माई पैलेस, आ जाओ। यही है, जो भी है यही है, देख लो इतना ही है। ये जो पानी लाता हूँ तो इधर बारिश में पानी लाते हैं, तो ये है अपना जो भी है, जो बनाते हैं खाना वाना सब बनाते हैं, तो यही है। जब सामान जो चाहिए मसाला वसाला आइटम यही कर रहेगा, उधर प्लेट सब है, तो इधर खाना पकाने का जो आइटम है, तो इधर हमारा एक छोटा सा चूल्हा है और गैस है, तो ये इसमें चावल डाल के रखता हूँ। तो आपको पता है कि हम कर्नाटक से हैं तो ज़्यादा चावल ही खाते हैं, तो इधर चावल है तो बनाने के लिए, तो उधर अभी सालन बना के रखे हैं। तो आपको सबको जानते हैं, ये मेरा माइक है, तो ये मेरा पर्स है जो खाली रहता है, ऑलमोस्ट हमेशा ही खाली रहता है। और छोड़ के छोड़ो, यहाँ पे खाते हैं तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये बेड है, जो बेड में हम दोनों के लिए इतना काफ़ी है। हमारा बाथरूम है इधर, ये बातों में इधर हम यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल उतना कुछ दिखाने वाला नहीं है, तो आप इधर आ जाइए। अभी ये आगे और एक रूम है छोटा वाला, ये और एक रूम है जिधर, इधर कुछ हमारा कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहता है, ये हमेशा ऑलमोस्ट खाली रहता है। जो भी सामान आता है या गांव से कुछ आता है तो इधर भर के रखते हैं, तो ऑलमोस्ट इधर सब भरा हुआ है। ये मेरा कपड़े हैं, ये मेरे दोस्त के हैं, ये भी मेरे दोस्त के हैं, ये दोनों के हैं, जो हमारे बजट में आ सकता है, ये उतना बड़ा रूम है। तो ओके, ज़्यादा कुछ बताने वाला चीज़ कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन वाला कोई चीज़ नहीं है, इधर इतना ही रहता है। एंड ज़्यादातर हम संडे में खाली ही रहते हैं, जो भी है क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हैं या तो BGMI खेलते हैं, अभी तो बैन हो गया है, तो देखेंगे, उसका वेट करेंगे। वरना जो मूवी है जो नया रिलीज होगा OTT प्लेटफॉर्म में जो होगा, वो भी एक दोस्त का जो है उसका सब्सक्रिप्शन है, तो उससे मांग लेते हैं, तो मांग के देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। इससे कुछ ज़्यादा कुछ नए एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि ऐसा कर सकता हूँ ऐसा कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं है, जैसा रहेगा ऐसा ही रहेगा। तो यही है मेरा छोटा सा रूम टूर। कैसा लगा मेरा रूम टूर आपको? अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को तो कमेंट भी कर देना यार। अभी तो ज़्यादा कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10 भी देख ले तो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि 2 साल से मैं अभी थोड़ा एक 10 या 20 वीडियो डाल चुका होगा मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे को भी एग्जैक्ट पता नहीं है मैं कितना डाला हूँ, 1K पे जाएगा, 2K पे जाएगा, इतना मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। अभी आएगा उतना मेरे लिए काफ़ी है, मेरा हाइएस्ट क्रॉसिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देखते हैं तो 30 लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, इतना ही है, क्योंकि मेरा इतना अभी टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ मैं, है ना। मेरा YouTube चैनल के लिए मैं इतना टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल लाइफ जो है वही ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मैं ज़्यादा YouTube के लिए टाइम दूंगा या अपना जॉब छोड़ के ये करूँगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई भी सीन नहीं है, मैं जब टाइम मिलेगा तब डाल दूंगा, इतना ही है। तो ये मेरे लिए कुछ इनकम वाला कोई आइडिया नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब से कमाऊँ, इतना कमाऊँ, दूसरे लोग कमा रहे हैं, तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। जब ये मेरे लिए मान के चलो, अभी मैं मेरे को एक एक करना है, मैं जैसे बाहर रहता हूँ वैसे ही ऑनलाइन भी रहना चाहता हूँ, तो एक्टिविटी थोड़ा कम है मानता हूँ। जब भी फ्री रहूँगा तभी कोशिश करूँगा कि अच्छा कंटेंट लाने की या कुछ बताने की, कुछ तो नया होना चाहिए। हर बार वीडियो में एक ही चीज़ बताऊँगा, एक ही चीज़ बात करूँगा, तो वो कोई सेंस नहीं बनेगा। तो जब भी बनाऊँगा तो अलग अलग कुछ टॉपिक्स पे बनाऊँगा, तो ऐसे में देखने में क्या होता है, थोड़ा मज़ा लगता है, हाँ कुछ तो नया आ रहा है। डेली आएगा तो एक ही जैसे आएगा,
एक ही वीडियो आएगा, देखने वालों को भी लगेगा कि क्या यार कितना पकाता है, एक ही जो अपना ही शक्ल दिखाने में क्या मजा है ना। मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, जैसे मैं लोकल में बात करता हूँ वैसा ही आता है, मेरा स्लैंग जो है ऐसा ही आता है, तो मेरे को सीखना पड़ेगा अभी। जो है जो नॉर्थ लैंग्वेज जैसे आता है तो मेरे को वैसा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। मेरा चैनल अभी तो चल भी नहीं रहा है ना, किसी का तो चलेगा किसी का दौड़ेगा, मेरा तो वो ये सीन ही नहीं है। जैसा भी है थोड़ा 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 करके आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। कभी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखा हूँ, ना ही मेरे को उम्मीद है कि मैं इतना आगे बढ़ूंगा, जो है वो ऊपर वाले की मर्जी है। ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो, मेरा रूम टूर पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा अभी 88 सब्सक्राइबर्स है, तो जब होगा, जब 12 सब्सक्राइबर्स और आ जाएंगे, जब 100 हो जाएगा, तब मेरा सब्सक्राइब जो है वो ऑन कर दूंगा। अभी तो वो ऑफ में है, किसी को नहीं दिखाएगा कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं। आज के लिए इतना ही, नया वीडियो अगर आएगा तो सोचूंगा कि क्या बनाना है। अब वैसे तो व्लॉग है, सोचने की कोई बात नहीं है, जैसे भी डाल सकता हूँ, मगर मेरे को ऐसा काम करना नहीं है जो ये मेरे दिल से लगा हुआ है। ओके, ये यूट्यूब जो है ये मेरे दिल से लगा हुआ है, ये मेरे को मेरा ख्वाब है, मेरे को इसमें कुछ ना कुछ अलग करना है, कुछ ना कुछ नया बनाना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।